हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो लर्निंग पॉइंट और मैं आपके साथ हूँ प्रिया मिश्रा। सो बेसिकली हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या 70 डेज 2.5 मंथ्स इज सफिशियंट फॉर जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन फॉर क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन। सो इतने कम समय में क्या हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं या नहीं, इस पर पूरा डिस्कशन होगा। तो जो रिपीटर्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और जो न्यू अपीयरिंग स्टूडेंट है जो इस बार पहली दफ़ा एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो लास्ट ज़रूर बने गए। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ामिनेशन का डेट शेड्यूल कर दिया गया है और मैं लगातार इस टॉपिक पर वीडियो लेके आती हुई हूँ, मतलब 2-3 दिनों से। मेन रीज़न इसका यही है कि जो हमारा जैसे जैसे एग्ज़ामिनेशन क्लोज़ आता है वैसे वैसे बहुत तरीके के थॉट्स हमारे माइंड में आते रहते हैं, लाइक इतना टाइम जो है वो सफिशियंट है या नहीं, इतने टाइम में हम क्या क्या चीज़ें को कवर करें और किस तरीके से कवर करें, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो उस चीज़ को ही कम करने के लिए मेरा ये कोशिश जो है वो आपके लिए लोगों के लिए है। तो गाइज, 60 to 70 days इज़ मोर देन सफिशियंट तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ बहुत बड़ा समय होता है क्योंकि आप 70 days में 70 topics को कंप्लीट कर सकते हैं। और जैसे कि पार्ट सी में 75 questions है, तो आप सोचिए यदि एक दिन में आप एक टॉपिक को भी कवर करें तो आपका 75 topics ऐसे ही कवर हो जाएगा। तो आप एक दिन एक टॉपिक को टारगेट लेके यदि चलते हैं तो भी आपकी चीज़ें बहुत ईजिली बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। 75 question जो पार्ट सी के हैं यदि वो आप कवर कर पा रहे हैं, वो टॉपिक आपका 75 topic क्लियर हो गया, तो उसमें से सपोज डैट कि आपके 75 topics से क्वेश्चन नहीं भी आएंगे टोटल, तो 50 topics से भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको 25 ही करने हैं। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो इट्स मोर देन सफिशियंट यदि हम इस तरीके से अपनी चीज़ों को बना के रखें। और जैसे कि पार्ट ए और पार्ट बी पार्ट सी तीनों में हमें स्कोर करने हैं, पार्ट सी में ही नहीं फुल मार्क्स लेके आने हैं, तो येस वी कैन डू इट। और जो रिपीटर्स हैं उनके लिए तो खैर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, बहुत बड़ा टाइम है, ऑलरेडी आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी है, ऑलरेडी आपकी प्रिपरेशन एक डायरेक्शन में जा चुका है, बस आपको एक राइट स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, राइट तरीके की ज़रूरत है। तो आप एक ये चीज़ लेके चल सकते हैं, डे टू डेज का एक एक टॉपिक लेके चलिए कि आपको एक दिन में कौन से टॉपिक को करने हैं, और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, एक अपना शेड्यूल आप बना के रख सकते हैं। और जो अपीयरिंग वाले कैंडिडेट्स हैं उन्हें भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपने सेमेस्टर के लिए किया है, जितना सीएसआईआर के लिए किया है, आप उसको कंटिन्यू रखें। और एक एक टॉपिक आप चाहे तो आप नए टॉपिक को सीख सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि जितना आपने कर रखा है उसके क्वेश्चंस यदि आप लगाते हुए जाते हैं तो यह 70 days इज़ सफिशियंट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज 70 topics से ज़्यादा तो एग्जामिनेशन में टॉपिक भी कवर नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने होंगे उतने ही हमारे टॉपिक कवर होंगे। और हमें ओवरऑल जो है वो मार्क्स लेके आने हैं, ना कि हमें एक टॉपिक में या फिर एक सेक्शन में मार्क्स को स्कोर करके जाना है। तो आप इस तरीके से एक रिजोल्यूशन ले सकते हैं, इस तरीके से अपनी चीज़ों को आप सेट कर सकते हैं और इस तरीके से जो एग्ज़ामिनेशन क्लियर करना जो है वो आसान हो सकता है। तो एक अपना आप नोट्स बनाइए, उस नोट्स में आप चीज़ों को प्रेजेंट करिए कि हमें किस कौन सा जो है वो तरीका, कौन सा पाथ जो है वो हमें फॉलो करना है, और फिर हम इस एग्ज़ामिनेशन को हम क्लियर कर सकते हैं। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, जैसे कि मैं डेली बताती हूँ, पार्ट ए के लिए मैं अलग वीडियो लेके आऊँगी कि पार्ट ए में आप हाईएस्ट मार्क्स कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ला सकते हैं। जैसे मेरा जो था वो मैंने 15 out of 24 मेरे राइट्स थे, सॉरी 15 out of 14 मेरे क्वेश्चन जो है वो राइट थे, इस हिसाब से मेरी 24+ marks जो है मैं स्कोर कर पा रही थी। तो आप भी उतना कर सकते हैं, उसके लिए कुछ भी मैंने अलग से प्रिपरेशन उसका नहीं किया था, बस हाँ जो मैंने फॉलो किया था वो मैं बता दूंगी। पार्ट ए और पार्ट सी का पार्ट बी और पार्ट सी का जो स्ट्रेटजी है वो भी एक तरीके का होना चाहिए। और जैसे पार्ट सी के लिए मैंने बताया कि पार्ट सी में हमें किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक स्कोरिंग है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, या फिर जो ट्रेंड वो फॉलो करते हुए आ रहे हैं, लाइक जो मैच वाले क्वेश्चन हैं वो कितने आ रहे हैं, या फिर जो हमारे ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं उसको हम देखेंगे। और एक चीज़ आप बना के रखेंगे, अपना एक नोटबुक लीजिए और उस पर हर एक टॉपिक को लिखिए। जैसे मैं बताऊँ मॉलिक्यूलर की, तो यदि आप आज रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं तो कल आप फिर से ट्रांसक्रिप्शन ना पढ़े, आप दूसरे टॉपिक को पढ़े, उसे थोड़ा सा आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा। यदि आप एक इकोलॉजी का ईजी कोई भी टॉपिक लेके पढ़ते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा बिल्डअप होगा। वैसे टप टप चीज़ हम यदि बैक टू बैक पढ़ते हैं ना तो वो चीज़ें हमें समझ में भी कम आती है और हम बोर भी हो जाते हैं और हमें बर्डन जैसा भी फील होता है, लगता है कि हमें कुछ याद नहीं हो रहा है, हम सब भूल रहे हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें थोड़ा सा एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है, लाइक हम एक इजी टॉपिक को ले रहे हैं, फिर एक टफ टॉपिक को ले रहे हैं,
फिर हम मॉक दे रहे हैं, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये सारा चीज़ यदि आप साइमल्टेनियसली फॉलो करेंगे तो चीज़ें आपकी आसान हो जाएगी और ईजिली आप चीज़ों को जो है वो क्लियर कर सकते हैं गाइज। तो आई होप जो चीज़ें मैं यहाँ पर बताई वो आपके लिए यूज़फुल होगा, और यदि किसी तरीके का डाउट है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन टेलीग्राम एंड यू कैन ऑल्सो राइट अ मी ईमेल टू मी, मैं रिप्लाई देती हूँ, जो भी स्टूडेंट करते हैं उन्हें पता है। तो और ऑल द वेरी बेस्ट गाइज फॉर योर प्रिपरेशन एंड डोंट वरी, एग्ज़ाम आपका अच्छा ही जाएगा। बाय।